सिडनी में सेमीफाइनल, भारतीय टीम की जीत का मंत्र। भारतीय टीम को 26 मार्च को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल में खेलना है। यह मैच जीतना भारतीय टीम के लिए सिर्फ इसलिए जरूरी नहीं है कि उसे वर्ल्ड फाइनल में पहुंचना है, बल्कि यह मैच जीतकर उसे यह भी साबित करना है कि ऑस्ट्रेलिया अपने घरेलू मैदान में अजेय नहीं है और उसे भी हराया जा सकता है। भारतीय टीम को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक साथ कई प्लान बनाने होंगे, जैसा कि धोनी अक्सर बैकअप प्लान तैयार रखते हैं। अगर टीम इंडिया की पहले बल्लेबाजी आती है तो प्लान वही होगा जिससे कि भारतीय टीम ने दक्षिण अफ्रीका को ग्रुप मैच में हराया था। पहले बल्लेबाजी करते हुए बड़ा स्कोर बनाया जाए और फिर गेंदबाज ऑस्ट्रेलिया पर दबाव बनाए, लेकिन अगर ऐसा होता है तो फिर यहाँ मोहम्मद शमी, उमेश यादव, मोहित शर्मा और आर अश्विन की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण हो जाएगी। भारतीय गेंदबाजों को ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को नियंत्रित करना होगा। अब तक वर्ल्ड कप 2015 के सभी मुकाबलों में विरोधी टीमों को ऑल आउट करते आए भारतीय गेंदबाजों को ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को हर हाल में रोकना होगा। भारतीय गेंदबाजों में यह काबिलियत है और फिर धोनी जिस प्लान से गेंदबाजी करवाते रहे हैं उससे यह उम्मीद करनी चाहिए कि अगर भारतीय टीम ने पहले गेंदबाजी भी की तो भारतीय गेंदबाज प्रभावशाली प्रदर्शन करेंगे।